अपेक्षा टुटुन टुटुन टुटुन। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर रोहन नहीं आया ना तो मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। सर 5 मिनट पहले भी आपने यही कहा। पिछले 1 घंटे से हर 5-5 मिनट में आप यही कह रहे हैं। बट दिस टाइम आई एम डेडली सीरियस यू नो। और 4 मिनट हो चुके हैं और आप सेकंड का कांटा गिन रहे हैं। यू थिंक आई एम स्टूपिड? वेल इट्स शट अप। अपेक्षा यस सर, इमीडिएटली एक लेटर तैयार करो हेड ऑफिस के लिए, रोहन की जगह में एक नया लड़का अपॉइंट किया जाए। रोहन सर, यो जी सर, रोहन के डिस्मिस होने से पहले ही नया लड़का आ गया। Who the hell are you? कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं सर? आई एम रोहन। यो रोहन, ये तुम तीखी मिर्ची खा गया भैया। हेलो कौन? दादाजी, दादाजी आप कहाँ से बोल रहे हैं? कैनेडा से? मुंबई आ रहे हो? कब? आपकी अराइवल कब है? राइवल नहीं, अराइवल कब है? आई मीन आपकी फ्लाइट यहाँ पे कब आ रही है? और ठीक है, मेरे वो आ जाएंगे आपको लेने के लिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस जर्नी। किसका फोन था रिंकू? मेरे दादाजी का, जो कनाडा में सेटल है। बीमार है क्या? बीमार वो नहीं, वैसे बीमार तुम लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफिस के पैथोलॉजी सेंटर में ब्लड देकर आ रहा हूँ। ओह रोहन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पता है पूरे एरिया में तुम ही हो जो ब्लड डोनेट करते हो। नहीं रिंकू, ब्लड डोनेट करके नहीं आ रहा हूँ। तो फिर? ब्लड टेस्ट करने के लिए खून देकर आया हूँ। लेकिन रोहन, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने शरीर का एक एक बूंद खून डोनेट कर दिया हो। ऐसा ही हुआ है रिंकू। वो क्या था ना, पैथोलॉजी वाली नर्स नहीं थी तो उसने मेरे शरीर का एक एक बूंद खून निकाला। ये देखो। 1 मिनट, ये भी देखो। 1 मिनट, पांव दिखाओ। नहीं 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 नहीं, रोहन तुमने उस नर्स को डांटा क्यों नहीं? डांटने वाला था लेकिन एनर्जी नहीं बची, उससे पहले ही उसने मेरा इतना खून चूस लिया था। अरे तो डॉक्टर से शिकायत करते? नहीं थी ना डॉक्टर जगह पर, विजिट के लिए गई थी। अच्छा खैर, तुम आज ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? शाम के फ्लाइट से मेरे दादाजी आ रहे हैं। मेरे ऑफिस आ रहे हैं? रोहन नहीं सॉरी, तो मैं क्या करूँ? तो क्या करूँ मतलब, दादाजी को रिसीव करने एयरपोर्ट तुम जाओगे, और हाँ ऐसी पिलपिली हालत में मत जाना। पिलपिली मतलब? मेरे दादाजी सेहत और तंदुरुस्ती के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उन्हें अगर पता चल गया ना कि तुम इस तरह से कमजोर हो तो वो तुम्हें नापसंद कर देंगे। लेकिन रिंकू, उनके नापसंद करने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे दादाजी की मैं इकलौती वारिस हूँ, अगर उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया तो वो मेरी दूसरी शादी कर देंगे। क्या है? क्या कर रहा है? घर नहीं जाना है क्या? क्यों, टाइम क्या हो गया? 6 बज गए हैं। छह बज गए? ओह माय गॉड, हाँ यार 6 बज गए। रोज ही बजते हैं। अरे हाँ यार, लेकिन आज मुझे रिंकू ने अर्जेंट काम कहा है। क्या? आते वक्त सब्जी लेकर आना। तू तो रिंकू यार, तू कभी भी मुझे सब्जी लाने को नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि मुझे देखकर सब्जी वाली सब्जियों के दाम बढ़ा देती है। मुझे देखकर तो सब्जी वाली भाग जाती है। उन्हें तो म्युनिसिपैलिटी में लगते होंगे ना। अपेक्षा, 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 मैंने आज ऑफिस आते ही तुमसे क्या कहा था? यही कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। उसके अलावा क्या कहा था? क्या कहा था? अपेक्षा, मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम को मुझे जल्दी जाना है। आप अब तक गए नहीं? अरे यार, जब तुमने रिमाइंड नहीं किया तो कैसे जाऊंगा? मैं भूल गई, I'm sorry. बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम भूल गई। अरे यार, अगर रिंकू के दादाजी किसी गलत एड्रेस पे चले गए ना तो रिंकू मुझे घर से निकाल देगी। अरे रुक ना, मैं तुझे अपनी बाइक पे एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। नहीं नहीं सर, टुटुन के साथ ना उसकी बाइक पर कभी मत बैठना। क्यों क्यों? वो बीच बीच में ना जोर जोर से ब्रेक लगाता है। अच्छा, तुम्हें क्या पता अपेक्षा, तुम कभी बैठी हो क्या इसकी बाइक पर? हाँ, पिछली बार बैठी थी। तुम बैठी थी इसलिए तो जोर जोर से ब्रेक लगा रहा था ना। क्या अपेक्षा, मर्दों के साथ बाइक चलाने का इसका स्टाइल कुछ और है। बिना ब्रेक लगाए बाइक चलाता है।
देखो देखो कौन है। क्या मेरे ट्रेड सीक्रेट बता देते हैं। हेलो, ओह रिंकू मैडम, रोहन जी सीटी बजा रहे हैं। नहीं नहीं, प्लेन चला रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। रिंकू टूटन किया। रोहन वो तो कई घंटों पहले एयरपोर्ट चला गया। हाँ, दादाजी से कहना कि मैं आके जरूर मिलूंगा। थैंक यू। अरे रिंकू पुत्र, वो है कहाँ? दादाजी वो तो आपको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। भाई मेरी जगह किसी और को तो रिसीव नहीं कर लिया उसने? नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे आपकी तस्वीर दे रखी है। भाई या तो मेरी उस तस्वीर में मैं नहीं लगता होऊंगा, या फिर तुमने मेरी जवानी की तस्वीर दे दी होगी। नहीं दादाजी, मैंने आपने जो इंटरनेट पे तस्वीर भेजी थी वही तस्वीर दी है। अच्छा वैसे ये तुम्हारा रोहन दिखने में कैसा है? मैं उनकी अपने मुंह से क्या तारीफ करूं दादाजी। तो फिर किसके मुंह से करोगी? दादाजी मेरे वो है ना, बहुत ही हैंडसम है। अच्छा। हाँ, और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या कहना, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का भी नहीं है। क्या बात है। वो ना दादाजी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, तुम्हें भी? दादाजी आप भी ना। लगता है मेरे वो आ गए। जाओ जाओ दरवाजा खोलो। यार रिंकू, तुम्हारे दादाजी भी ना, मैंने एयरपोर्ट के कोने कोने में उन्हें ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। अमेरिका से आने वाली हर फ्लाइट मैंने चेक की, मैंने कहा गलत इसे रिटर्न फ्लाइट में बैठ गए होंगे, इसने अमेरिका जाने वाली हर फ्लाइट की खिड़की से झांक के अंदर देखा, लेकिन कोई बुढ़ऊ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो तुम्हारे दादाजी है। मुझे तो लगता है कि वो मुंबई एयरपोर्ट आए, ऊपर के ऊपर से ही देखा और वापस चले गए अमेरिका। हो गई तुम्हारी बात पूरी? हाँ हो गई। तो वहां देखो, वो देखो मेरे दादाजी। रिंकू पुत्र, ये कौन है? दादाजी ये है मेरे वो रोहन। प्रणाम दादाजी। प्रणाम प्रणाम। तो ये है तुम्हारा पति? हाँ। इतना बड़ा? हाँ? बड़ा मतलब? ये तो उम्र में तुमसे काफी बड़ा लग रहा है। दादाजी आप क्या कह रहे हैं? देखो देखो कैसे हांफ रहा है, इसके हांफने से पता चलता है कि ये तुम्हारे लिए फिट नहीं है। अरे एकदम फिट हूँ सर, और वो आप ही के कारण हाफ रहा हूँ, आपको ढूंढने में यहाँ वहाँ भागना पड़ा ना, इसलिए थोड़ी सांस फूल गई है बस। अदरवाइज मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ दादाजी। हाँ दादाजी, ये तो देखो सुबह सुबह ब्लड टेस्ट भी करके आए। हाँ। नहीं पुत्र, ये बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। एक तो उम्र में तुमसे बड़ा है, ऊपर से इसकी सेहत भी नाजुक है, लिहाजा मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। दादाजी रोहन अंदर से क्यों चिल्ला रही हो रिटू, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यार अगर पास हो तो चिल्लाने की क्या जरूरत है, धीरे से नहीं बोल सकती। इस वक्त यहाँ ऑफिस नहीं गए क्या हुआ? नहीं ऑफिस जाना है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले बहुत जरूरी काम है, इसलिए आया हूँ। रिटू रिटू मुझे जल्दी से बर्थ दे दो। इतना भी जल्दी मत बोलो कि समझ में नहीं आए। अच्छा ठीक है, कल रिंकू के दादाजी आए, मुझे देख के बोले कि मैं उससे उम्र में बड़ा लगता हूँ और ये शादी उन्हें मंजूर नहीं है। रिटू क्या हुआ, हम हंस के रहे हैं? ये ना बहुत बड़े संकट में फंस गया है। क्या क्या हुआ? रिंकू भाग गई क्या? नहीं अभी तक नहीं भागी, लेकिन बहुत जल्दी भाग जाएगी। चुप हो जाओ तुम लोग। देखो रिटू प्लीज मजाक मत करो, मुझे जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, मैं रिंकू के दादाजी को प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना वो समझते हैं। मम्मा आपको पता है, रिंकू के दादाजी समझते हैं कि रोहन रिंकू से उम्र में बहुत बड़ा है और इसलिए उन्हें ये शादी मंजूर नहीं है। ये तो होना ही था। क्या
क्या होना ही था? अरे तुम हो ही उससे बड़े। मैंने तो पहले ही कहा था, अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ चक्कर मत चलाओ, एक दिन वो भाग जाएगी। रितु दो बातें सुन लो, नंबर एक रिंकू इतनी छोटी नहीं है, दो नंबर दो ये उसने नहीं किया, उसके दादाजी जो है ना, रिंकू के दादाजी के आड़े से रिंकू ही तुम्हें बड़ा दिखा रही है, तुमसे डिवोर्स पाने की उसकी साजिश है। रितु अपनी कंक्लूजन अपने पास रखो, चुपचाप मुझे तुम बर्थ सर्टिफिकेट लाके देने वाली हो या नहीं? एक बात बताऊं रिंकू पुत्र, ये जो तेरा हस्बैंड है ना, ये तेरे बिल्कुल लायक नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये। दादाजी ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, हमारी अच्छी तरह से निभ रही है। क्या 2 साल? और तू 2 साल से इसके साथ निभा रही है? अमेरिका में तो 1 साल में 3-3 डिवोर्स हो जाते हैं। डिवोर्स? हाँ पुत्र, मेरी बात मान, छोड़ दे इसे, डिवोर्स दे दे, फिर मैं अपनी पोती की शादी तेरे एज ग्रुप के अच्छे से लड़के से करा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है रिंकू के लिए दूसरा लड़का ढूंढने की दादाजी, ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। रोहन यू सो स्वीट। देखिए देखिए दादाजी, इस बर्थ सर्टिफिकेट से आपको पता चल जाएगा कि रोहन और मुझ में बस कुछ ही सालों का फर्क है। हाँ पुत्र, रोहन तुझसे कुछ ही साल छोटा है। इतनी कच्ची उम्र के लड़के से मुझे तुम्हारी शादी हर किस मंजूर नहीं है। कच्ची उम्र? दादाजी मैं 3-4 बार वोटिंग कर चुका हूँ। तो तुम्हारी इंडिया में 10 साल के बच्चे को भी वोटिंग राइट्स हैं। 10 साल का बच्चा? इस सर्टिफिकेट के हिसाब से तुम सिर्फ 10 साल के हो। रोहन तुम ये किसका सर्टिफिकेट लेके आए? किसका है? बिट्टू का। तीखी मिर्ची खा गया भैया। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर रोहन नहीं आया ना, तो मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। सर 5 मिनट पहले भी आपने यही कहा था। पिछले 1 घंटे से हर 5-5 मिनट में आप यही कह रहे हैं। But this time I am deadly serious, you know? और 4 मिनट हो चुके हैं और आप सेकंड का कांटा गिन रहे हैं। You think I'm stupid? Well, it's up. Shut up! अपेक्षा, yes, sir. Immediately एक लेटर तैयार करो हेड ऑफिस के लिए, रोहन की जगह में एक नया लड़का अपॉइंट किया जाए। रोहन जी सर, रोहन के डिस्मिस होने से पहले ही नया लड़का आ गया। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? आई एम रोहन। यो रोहन, ये तुम सर? आप बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं। यो मैन, यो मैन, यो मैन, यो मैन सर। यो मुझे रिंकू के दादाजी को साबित करके दिखाना है कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना कि वो समझते हैं। वैसे भी इस ड्रेस में तो तुम पूरे बच्चे ही लगते हो। थोड़ी बचकानी हरकतें करो, रिंकू के दादाजी अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। रिलैक्स, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे दादाजी को कन्विंस करता हूँ। हैं? तुम उन्हें कैसे कन्विंस करोगे? देख, तुझे यंग और हेल्दी दिखना है, राइट? राइट। तो किस किस्म के आदमी यंग और हेल्दी दिखते हैं? मुझे अगर वो पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता? Look at me, look at me. देखो मैं कितना यंग और हेल्दी हूँ। Why don't you take my example? सर, अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूंगा ना, तो रिंकू के दादाजी कहेंगे तुम तो मेरे भी दादाजी लगते हो। अरे नहीं नहीं, वो सब छोड़। देखो, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो हमेशा यंग और हेल्दी लगता है। ओके, तो मैं आज से तुम्हें अपनी क्रिकेट टीम में शामिल करता हूँ। ग्रेट डियर, यो शो नो। या डेफिनेटली। दादाजी, दादाजी जल्दी से आइए, खाना तैयार है। ऑल दिस पॉलिटिक्स, गुड, अच्छा है। अरे लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को तो आ जाने दे। दादाजी वो देर से आएंगे, आप खाना शुरू कीजिए ना। ओके। हाय दादाजी। अरे रोहन तुम आ गए। रोहन पता है तुम 100 साल जियोगे, दादाजी अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। Excuse me. दादाजी मतलब आपने तो आते आते ही मेरी उम्र 100 साल की कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो दादाजी?
आपके हिसाब से मैं रिंकू से बड़ा हूँ ना? बड़े तो तुम हो ही, देखो कितने थके थके टूटे टूटे लग रहे हो। अरे दादाजी, अगर लगातार 6 घंटे कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस करे तो थोड़ा तो थकेगा ही ना। अरे वाह, तुम क्रिकेट भी खेलते हो? खेलते हो? फॉर योर इन्फॉर्मेशन दादाजी, मैं U-25 टीम का कैप्टन हूँ। हेलो रोहन, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी अभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से फोन आया है कि U-25 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी टीम को इंक्लूड कर लिया गया है। यो मैन, या सीधा खड़ा रहना। या डेफिनेटली यार टुटुन, यार टुटुन, यार टुटुन, सॉरी सॉरी, इट्स ओके, लेकिन आप सेंचुरी मारने को तैयार है ना? डेफिनेटली। या ऑफ कोर्स डेफिनेटली। यो दादाजी, अब तो आपको तसल्ली हो गई कि नहीं कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, और देख लिया आपने कि मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। आइला, गो गेट इट। क्या कर रहा है? सॉरी। वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? दादाजी, ये मेरा कलीग है टुटुन, जो कि हमारे U-25 टीम का वाइस कैप्टन भी है। इसकी हरकतों से तो ये U-20 का नहीं, U-10 का लग रहा है। रोहन, मेरे ख्याल से अब मुझे फाइनली रिटायर कर देना चाहिए। इस बुड्ढे को कन्विंस करना आसान काम नहीं है। आई गो गेट इट। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिंकू पुत्र, मैं जरा जरा कन्विंस हो गया हूं कि तेरा हस्बैंड उतना बुरा नहीं है जितना मैं इसे समझता था। या थैंक यू दादाजी। चलो, बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। एक्सक्यूज मी डिकरा, मैं डॉक्टर पेरीजा दवा वाला पैथोलॉजी लैब सेंटर से। रोहन डिकरा छे? मैं रोहन डिकरा नहीं, रोहन खन्ना हूँ। कहिए डिकरा, तुम हमारे लैब में आया था ने ब्लड टेस्ट कराने वास्ते ऑफिस की तरफ से? हाँ। तुम्हारा ना रिपोर्ट आया है। अच्छा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, जरा हम भी देखें क्या है रिपोर्ट में। देखो डिकरा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम हाई है। दादाजी का ना? तुम्हारा ये चोटी तुमको क्यों खिलाता है? पकोड़ा, हलवा। पकोड़ा है? तुमको ऐसा तला फला चीज नहीं खाने को मांगता है, तुमको ऐसा स्वीट ट्रीट नहीं खाने को मांगता है। तुम्हारा शुगर लेवल देखो कितना हाई है। शुगर? रोहन, तुम्हारा शुगर लेवल हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, और तुम कहते हो कि तुम यंग और फिट हो, U-25 हो? No, I? अरे इसका तो उम्र फॉर्म में over 30 लिखा है, 33.5 लिखा है। रिपोर्ट मुझे दीजिए। दिख रहा हमको ना तुम्हारा ना बहुत फिकर हो गया है, इसलिए हम पर्सनली तुमको रिपोर्ट देने को आया है। वो क्या है ना, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तुम्हारा शुगर लेवल हाई है, तुम्हारी दो बीवियां हाई है। ये भी रिपोर्ट में लिखा है? नहीं, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है, तुमको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके हाय, आई मीन बाय। खोदा, इसको बचा। रोहन, सर शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए सर। मैं शांत ही हूं अपेक्षा, तुम शांत हो जाओ और मुझे शांति से बैठने दो। सर गुस्सा मत कीजिए, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो रोहन, रोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता कि आप क्या सुन रहे हैं। अरे तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट में हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का रिस्क है। सर, हाँ। आपको किसने बताया? आपको? मैंने सोचा कि बॉस शायद आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, इसलिए। ये मेरी क्या मदद करेंगे? ऑब्वियसली भाई, मैं मदद करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आप करेंगे क्या बताइए ना। तुम्हारी अर्ली रिटायरमेंट रेकमेंड कर दूंगा। क्या मतलब? रोहन, मैं ये चाहता हूँ कि तुम वक्त से पहले राजी खुशी अपनी रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि तुम मेडिकली अनफिट हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। रोहन सर ऑफिस में नहीं होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारे लिए कोई दूसरा बकरा है?
नहीं हूँ, पर दूसरा बॉस ढूंढ रही है। वो रोहन सर की तरह ही हैंडसम होंगे। क्या रहा? कूल कूल कूल। अरे पहले तुम तो चिल्लाना बंद करो, इसकी फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होने वाला, कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। अरे मुझे बख्शो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या हो गया तुम्हें रोहन? वो रिपोर्ट तुम्हें किसने दी थी? क्यों? अरे एकदम बोगस है। क्या? हाँ, ये रही असली रिपोर्ट, मैं अभी अभी पैथोलॉजी लैब से होकर आ रहा हूँ। इसके मुताबिक तुम्हें कोई हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तुम्हें कोई शुगर लेवल नहीं है, इनफैक्ट तुम हो ही नहीं। क्या मतलब? तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। थैंक्स टिटोन, थैंक यू वेरी मच। अब ये रिपोर्ट मैं उस बुढ़ाऊ दादाजी के मुंह पे मारता हूँ। एडवोकेट तलाक वाला जी, आप रिंकू और रोहन के डाइवोर्स के केस को फाइल कीजिए। दादाजी, दादाजी आप क्या कर रहे हैं दादाजी? पुत्र मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तेरा हस्बैंड किसी काम का नहीं है। एक तो उम्र में वो तेरे से बड़ा है, ऊपर से उसे तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये झूठ है दादाजी। तो क्या वो मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ है? तलाक वाला साहब, आप नोटिस की तैयारी कीजिए। दादाजी वो मेडिकल रिपोर्ट डिवोर्स नोटिस में मेंशन करेंगे, तलाक और भी आसानी से मिल जाएगा। गुड। और तो और हमने उस लेडी डॉक्टर को भी बुलवा लिया है जिसने वो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी, डॉक्टर पेरिजा दवा वाला। अरे लीजिए, नाम लिया और वो आ गई। बोलो नहीं दादाजी, क्या बात है? बेटा मैं रिंकू के डिवोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। क्या? वेरी गुड, यहाँ पे मेरा डिवोर्स हो रहा है, कह रही है वेरी गुड। इसे तो सिर्फ मेरी सौतनी कह सकती है। शट अप रिंकू, शट अप। डॉक्टर पेरिजा दवा वाला, आप हमारे वकील तलाक वाला को ये बताइए कि रिंकू का हस्बैंड क्यों इसके लायक नहीं है। वो क्या है ना डिकरा, उम्र में वो लड़का कितना बड़ा है, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल हाई, शुगर लेवल हाई और दोनों किडनी फेल। अरे झूठ है, बकवास है। रोहन अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना दादाजी हमारे तलाक की तैयारियां कर रहे हैं। क्या? अरे तलाक होगा दादाजी का? ये कैसे हो सकता है रोहन? मेरा तलाक भी कैसे हो सकता है? ये लीजिए, ये देखिए जरा, देखिए। ये क्या है? ये कागज मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये है मेरे असली टेस्ट रिपोर्ट्स। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट मैच शुरू हो गया है? ओहो दादाजी, टेस्ट मैच नहीं, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ये मेरे असली रिपोर्ट्स हैं, कल वाले रिपोर्ट्स झूठे थे, नकली। जरा देखिए, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, एवरीथिंग इज नॉर्मल दादाजी। वेरी गुड। मिस्टर तलाक वाला, तलाक कैंसिल। लेकिन अगर ये असली रिपोर्ट है तो पैथोलॉजी लैब से बोगस रिपोर्ट लेकर ये आई थी। ये कौन है? वो क्या है ना डिकरा कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, मैं जाती हूँ। अरे रुको, डॉक्टर की बच्ची रुको, कहाँ जा रही है?